चढ़ के उसे ऊपर तक आती है सर। कहाँ से कहाँ तक? नीचे से ऊपर तक बोले ब्रेड तक। ब्रेड तक आना है। और ये कब से है आपको प्रॉब्लम? दो तीन साल से। दो तीन साल से। सिर दर्द भी देता है ज़्यादातर इस तरफ देता है। ये जो बोन है ना हॉस्पिटल स्कल का, देखो ये यहाँ एंड हो रहा है और ये यहाँ एंड हो रहा है। दबाने से दर्द दे रहा है इधर ना, ये ऊपर नीचे हो गया है। मुँह खोलिए पूरा, देखो ये साइड का कम ओपन होता है, दिख रहा है। इस तरफ भी दर्द देता है। लेफ्ट साइड। आंखों में दिखने में भी कुछ धुंधला सा लगता है। हाँ, इधर ये साइड में। हाँ, है ना, क्योंकि ये जॉइंट कम ओपन होता है ना, तो उसके वजह से ये साइड में पूरा इफेक्ट आता है। पाँव उठाने से कमर में दर्द दे रहा है? इधर भी नहीं, इधर उधर कमर में। हाँ, दे रहा है ना। देखो आपको प्रॉब्लम क्या है पहले मैं एक एक करके बता देता हूँ। कमर में ये गद्दी पीछे चले गई है इसलिए पाँव के नस को दबा रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो प्रॉब्लम है ये TMJ जॉइंट कम ओपन होता है, हॉस्पिटल ऊपर नीचे है उससे सिर दर्द देता है, चिड़चिड़पन लगता है, कॉन्सेंट्रेशन नहीं होता है, और ये साइड का कम ओपन होता है इसलिए ये आंखों के इसमें भी थोड़ा धुंधला दिखना ये सब होता है। ये माइग्रेन है, ये स्पॉन्डेसिस है। यहाँ से पूरी ऐसा कर्व हो गया स्कोलियोसिस, इस साइड से रख दो। दर्द दे रहा है? कम दे रहा है। ये रेडी है, अभी टेढ़ी थी है ना स्कोलियोसिस, अभी देखो बहुत सीधी हो चुकी है, ठीक है। ऊपर नीचे था, अभी काफ़ी करेक्ट हो चुका है, पहले बहुत नीचे था। अभी दबाने से दर्द दे रहा है? नहीं, कम दे रहा है ना, ठीक है। गर्दन पीछे करने से दर्द दे रहा था अभी? नहीं, ठीक है। एक सेशन हुआ है अभी, क्या क्या ठीक लग रहा है? रिलैक्स लग रहा है। जो ऐसा टेढ़ा था बॉडी क्योंकि रेड की हड्डी सीधी हो गई, ऐसा लग रहा है सीधा हो गया? हाँ, है ना। गर्दन का कैसा है? ओवरऑल अच्छा है। अच्छा है। यहाँ का कैसा है? अच्छा लग रहा है। कमर का? वो भी ठीक लग रहा है। जो सिर दर्द देता था वो कैसा है? कम है। कम है, क्या क्या कम है उसमें? पीछों के चिड़चिड़ समय लग रहा था वो कम। जो दिखने में धुंधला लगता था वो कैसा है? अभी तो थोड़ा ठीक है। क्या ठीक लग रहा है इसमें? अभी तो अच्छा दिख रहा है। अच्छा दिख रहा है, ओके। तो अभी कितना ठीक लग रहा है आपको? एक अंदाज में बोल रहे तो 50 ठीक लग रहा है। 50 एक सेशन में 50 ठीक लग रहा है, ठीक है।